Students, we learn today non-living or living thing. Non-living thing definition. Which thing cannot be grow it is called non-living thing. Like example table. अब table लिखा हमने, एक और example लिखते हैं like door D double O R door. Like pencil, PENSIL, pencil. तो ये जो अब इसका हिंदी मीनिंग, वह वस्तु, वह ऐसी चीज, वह कोई प्राणी या कुछ भी ऐसी चीज़, वैसे अगर प्राणी तो होता नहीं, जो खाता नहीं है, बढ़ता नहीं है, ग्रोथ नहीं करता, जो सांस भी नहीं लिखता, एंड ग्रो नॉट बी ग्रो ईट एंड ब्रेथ ब्रेथ भी आए, जो सांस भी नहीं ले सकता उसे नॉन लिविंग कहते हैं, ये जो सांस नहीं ले सकता और उसका टेबल डोर पेंसिल. अब टेबल कोई वस्तु है, वो हमारी तरह खाना नहीं खाता, सांस भी नहीं ले सकता, और डोर है, डोर भी ऐसी वस्तु है जो खाना नहीं है, सांस नहीं ले सकती, और पेंसिल भी लिविंग थिंक. विच थिंग कैन B grow eat breath. This thing can be grow and breath is called living thing. Living. अब इसका हिंदी मीनिंग पहले इसका एग्जांपल लिख लेते हैं. चल पहले इसकी हिंदी मीनिंग जान लेते हैं. Which thing can be grow, eat, breathe is called living thing. यानी कि वह वस्तु जो, वह कोई प्राणी जो बढ़ता है, समय के साथ बड़ा होता है और छोटा नहीं होता, पर वो बढ़ता है, ग्रोथ, इसलिए ईट खाना खाता है जिसे खाने की ज़रूरत होती है, ब्रेथ सांस लेता है, वह लिविंग थिंग कहलाता है. अगर ऐसे हम इंसान हैं, इंसान सांस लेते हैं तभी तो वो लिविंग थिंग कहलाते हैं. अब जो टेबल है वो ट्री, ट्री तो सांस लेते हैं बट टेबल नहीं लेते हैं.